तो चलिए शुरू करते हैं अपने 10 इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एसएससी में बैंक में बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं इन टाइप्स वाले क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन ए वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। ठीक है, मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया है एक रेस्टोरेंट इन ए वुडन लकड़ी की बिग बिल्डिंग में, वुडन बिग बिल्डिंग में, ठीक है, मनाली में। तो चलिए बताइए कौन सी एरर है इसमें, ए बी सी और डी, बताइए कमेंट करके। देखिए एडजेक्टिव हमारे यहाँ पे बी वाले पार्ट में कितने एडजेक्टिव दे रखे, देखिए अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग, देखिए वुडन और बिग ये भी दे रखा है और ए दे रखा है, अ वुडन बिग, एक लकड़ी की बिग बिल्डिंग। ठीक, बिल्डिंग के लिए आपके तीन लग गए, एक वुडन एक लकड़ी की बड़ी बिल्डिंग। ठीक है, तो जब हमारे एक से ज्यादा एडजेक्टिव लग जाते हैं किसी नाम के लिए तो उनको ऑर्डर जो होता है लगाने का वो किस तरीके से होता है वो आइए देखते हैं। क्या है हमारा, जैसे एक रूल होता है आपका, क्या होता है, नॉसेस कॉम। ठीक है, ये रूल होता है आपका एडजेक्टिव के ऑर्डर का। हमारा पहले क्या आता है, नंबर, नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ओपिनियन, उसके बाद क्या आता है आपका साइज, उसके बाद आपका आता है एज। ठीक, उसके बाद आता है शेप, शेप के बाद आपका आता है सी से कलर। ठीक है, ओ से आपका आ गया, इधर देखते हैं, ओ से आपका आ गया ओरिजिन। ठीक है, एम से आपका आ गया मटेरियल और पी से आपका आ गया पर्पस। तो अगर ज्यादा आपके एडजेक्टिव दे रखे हैं किसी नाउन के लिए तो उनको लगाने का ऑर्डर ये होता है कि नॉसेस कॉम्प आपका ये रूल होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑर्डर पुट करते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, ये ऑर्डर लगता है इस तरीके से, पहले नंबर आता है, ओपिनियन आता है, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल और पर्पस। ठीक, यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन में कि अ रेस्टोरेंट इन ए वुडन बिग बिल्डिंग, तीन आपके लग गए, एक तो लगा है ए, फिर लगा है वुडन, फिर लगा है बिग। ठीक है, एक लकड़ी की बड़ी, अब इनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए आप लोग बताइए कमेंट करके, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका क्या ऑर्डर होना चाहिए, फटाफट से कमेंट करिए क्या ऑर्डर होना चाहिए। क्या आपको गलती तो पता लग गई है, एरर तो पता लग गई है आपको कि कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। ठीक है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर पहले बताइए, ये सही लिखा है या नहीं लिखा है, बी पार्ट में आपकी एरर है मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, लेकिन इसमें बताइए किस तरीके से इसको ऑर्डर लगाएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, ए, ए क्या है, एक नंबर है, एक। ठीक, तो फर्स्ट हमारा ऑर्डर आ गया ए। ठीक है, ये तो सही लिखा है। अब वुडन हमारा क्या है, मटेरियल है कि लकड़ी की ना मटेरियल हो गया, तो मटेरियल और उससे पहले हम उसके बाद दे रखा है बिग, बिग हमारा क्या होता है साइज, छोटा बड़ा बिग, तो पहले हमारा क्या आना चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग, साइज आना चाहिए, उसके बाद हमारा मटेरियल आता है, तो हमारा बिग इधर आएगा, वुडन इधर आएगा। अब बिग वुडन बिल्डिंग, ठीक है, एक लकड़ी बड़ी लकड़ी की बिल्डिंग। ठीक, अब वुडन बिल्डिंग, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बी वाले पार्ट में, अ रेस्टोरेंट इन ए वुडन बिग बिल्डिंग ना हो करके अ रेस्टोरेंट इन ए बिग वुडन बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिए कि किस तरीके से ऑर्डर लगता है, ये रूल पूरा आप याद रखिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये आता है पहले बिग आएगा फिर वुडन आएगा। ठीक, और रेस्टोरेंट क्या होता है, ये रेस्टोरेंट जो आपका देखते हैं रेस्टोरेंट नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट क्या होता है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ये सब नहीं होते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन गलत हम लोग बोलते आ रहे हैं, क्या करेक्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, रेस्टोरेंट। ठीक, रेस्टोरेंट। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, ही लव्ड हर, वह उसे पसंद करता है डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, खुद के बावजूद, मतलब खुद से भी ज्यादा वो क्या है उससे प्यार करता है। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ,
चलिए बताइए क्या आपकी एरर आ रही है, कौन से पार्ट में आपकी एरर है, इसको रद्द कर देती हूँ। बताइए, देखिए क्या होता है डिस्पाइट, डिस्पाइट मीनिंग क्या होता है के बावजूद, डिस्पाइट डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है के बावजूद, ठीक है। इसमें आपका ऑफ लगाने की नीड नहीं होती, इसी का मतलब हमारा होता है इन स्पाइट, जब इन स्पाइट होता तो हम लोग ऑफ लगाते हैं, इन दोनों का ही मीनिंग सेम है, इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ नहीं लगाते हैं, उसमें इंक्लूड है ऑफ, ठीक। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, अगर इन स्पाइट होता तो हम लोग ऑफ पुट कर देते, ठीक सही हो जाता, लेकिन डिस्पाइट का इसमें ऑफ आपका इंक्लूड है, तो हम लोग जो बी पार्ट में आपकी है ये जो डिस्पाइट ऑफ दे रखा है, इसकी जगह पे आप सिंपली केवल डिस्पाइट करेंगे, ऑफ को रिमूव कर देंगे, डिस्पाइट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट में आपकी एरर थी, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी हैड बीन टोल्ड बाई मैनी पीपल दैट हर शाइनी ब्लॉन्ड हेयर एंड ब्लू आईज मेड हर स्टैंड अप इन क्राउड, क्या है तो उसको बहुत से लोगों के द्वारा क्या कहा गया कि उसके जो लंबे बाल हैं एकदम शाइनी बाल हैं उसके और नीली आंखें जो हैं वो मेड हर स्टैंड अप एकदम भीड़ में उसे अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। ये इसका मीनिंग है, स्टैंड अप अलग खड़ा कर देते हैं। बताइए क्या आया है इसमें, बताइए कि उसके जो लंबे बाल हैं शाइनी बाल हैं और ब्लू आईज हैं वो उसको भीड़ में अलग करती हैं, भीड़ से अलग करती हैं, ठीक। देखिए भीड़ से अलग करती हैं ये सेंस आया है, और स्टैंड अप का मीनिंग क्या होता है, सी वाला जो आपका स्टैंड अप दे रखा है, स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, जो स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं खड़े होकर कॉमेडी करते हैं वो लोग माइक पे, ठीक है, ओपन माइक स्टैंड अप कॉमेडी, तो स्टैंड अप में अलग से खड़ा नहीं करती, उसको अलग से दिखाती हैं, एकदम वो क्या होता है ब्राइट होता है, वो बिल्कुल अलग से दिखता है, ठीक है। तो स्टैंड अप नहीं होता है, स्टैंड आउट होता है, स्टैंड आउट होता है, क्या होता है स्टैंड आउट, स्टैंड आउट होता होता है भीड़ में से किसी एक पे ही आपकी नजर जा रही है वो ही सबसे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अलग से किसी चीज को दिखा देता है ना, कि बहुत से ब्लैक कपड़े सबने पहन रखे और एक वाइट आपको ड्रेस में दिखेगा तो वो अलग से आपका दिखेगा ना, स्टैंड आउट हो जाएगा वो, ठीक। तो वो स्टैंड आउट होता है, स्टैंड अप नहीं, स्टैंड अप मतलब तो खड़ा होना होता है, सीधे खड़े होना, स्टैंड आउट होगा कि वो भीड़ में अलग दिखेगी बिल्कुल, ठीक है। तो स्टैंड आउट हो जाएगा, सी कौन से पार्ट में आपका आ रहा है, सी वाले पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी, ठीक है, स्टैंड अप की जगह पर स्टैंड आउट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट फील्स वार्म ऑन टुडे बट आई ऑलवेज कीप अ लाइट जैकेट इन माय डबल बेड, ठीक है। क्या है कि इट फील्स वार्म, आज बहुत मतलब गर्मी लग रही है, गर्मी इतनी थोड़ी है, लेकिन क्या है मैं फिर भी हल्की जैकेट रखता हूँ अपने डबल बैग, डबल बैग होते हैं जो पीठ पे पिट्ठू बैग शोल्डर्स पे टांग लेते हैं, डबल बैग में अपने हल्की जैकेट रखता हूँ, ठीक। चलिए क्या है अगर आपको व्हाट्स से कमेंट करिए, ए बी सी या फिर डी। देखिए ये जो वर्ड्स आपके होते हैं टुडे हो गया, टुडे टुडे हो गया, टुमारो हो गया, ठीक है, यस्टरडे हो गया, इन सब में जो होता है इन सब के साथ हम लोग एन और एन इन एट ये सब नहीं लगाते, इन सब में क्या है हम लोग एट हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया, ये जो प्रपोजिशन है आपके इनका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ऑन टुडे नहीं होगा या एट टुडे नहीं होगा, ऑन टुमारो, एट टुमारो, इन टुमारो, ये सब नहीं होता है। और भी आपके वर्ड्स होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट डे हो गया आपका, या फॉलोइंग डे हो गया, द फॉलोइंग डे, ठीक है। इनके पहले जो है, इनके पहले जो है हम लोग कोई भी एड ऑन इट इसका आपका प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो सिंपल आपका क्वेश्चन जो है आपका, इट फील्स वार्म ऑन टुडे बट आई ऑलवेज कीप अ लाइट जैकेट इन माय डफल बैग, ठीक है। तो इट फील्स वार्म ऑन जो लगा रखा है इन्होंने, जो ऑन लगा रखा है क्वेश्चन,
ये वाले पार्ट में जो ऑन टूडे लगा है ये ऑन हम लोग हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, सिंपल आपका टूडे हो जाएगा। ठीक है, इट फील्स वॉर्म टूडे। ठीक, समझ गए आपको, रिमूव कर लीजिए। इन सब के पहले हम लोग एड ऑन इन सब का यूज नहीं करेंगे प्रपोजिशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटलीस्ट ही वॉज एन ऑनरेबल बट इफ द लुक ऑन हिज फेस वॉज एनी इंडिकेशन ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ऑफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एटलीस्ट ही वॉज एन ऑनरेबल, कि एटलीस्ट वो तो ऑनरेबल है, मतलब ऑनरेबल मीन्स क्या होता है, सम्माननीय है। बट इफ द लुक ऑन हिज फेस, बट उसके चेहरे से क्या होता है, क्या लगता है, एक इंडिकेशन मिलती है, संकेत मिलता है क्या, ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ऑफर, कि वो उस ऑफर से रिग्रेट, उसे पछतावा हो रहा था। ठीक है, ये ऐसा उसके चेहरे से संकेत मिलता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है आपको। देखिए जो ए वाला पार्ट आपका दे रखा है ऑनरेबल, ए वाले पार्ट में आपका जो दे रखा है ऑनरेबल, ये क्या है ऑनरेबल, क्या होता है ऑनरेबल, क्या है आपका एक एडजेक्टिव है, सम्माननीय माननीय ये होता है ना, ऑनरेबल क्या है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको डिफाइन करते हैं, नाउन को, और यहाँ पर नाउन आपका मिसिंग है। एटलीस्ट ही वॉज एन ऑनरेबल के आगे हमें नाउन चाहिएगा, तो ऑनरेबल के बाद हम क्या लगा देंगे, पर्सन, ऑनरेबल पर्सन। ठीक, एडजेक्टिव और इसका नाम लग गया, तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट ही वॉज एन ऑनरेबल पर्सन। ठीक, बट इफ द लुक ऑन हिज फेस वॉज एनी इंडिकेशन ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ऑफर, तो ऑनरेबल एडजेक्टिव है, इसके बारे में नाउन की नीड है। ही वॉज एन ऑनरेबल के आगे क्या है, ऑनरेबल पर्सन ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, पर्सन, और आपका ए वाले पार्ट में एरर आ जाएगी। ठीक, ए वाला पार्ट समझ गए आप लोग, उसके बाद हम लोग पर्सन पुट कर देंगे, क्योंकि हमें नाउन की नीड है, ऑनरेबल एडजेक्टिव है, इसको हमें पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। क्या सपना देख रहे हैं हमें, इतना बढ़िया कि लास्ट नाइट मैंने क्या सपना देखा, कि आई वॉज शेख, में शेख हूँ 169th फ्लोर का, बुर्ज खलीफे के 169th फ्लोर पर। ठीक है, आई वॉज शेख, ये इन्होंने सपना देख लिया है। तो देखिए लास्ट नाइट इन्होंने बोल दिया, यानी पास्ट की बात हो गई, तो आई ड्रीम जो दे रखा है, ड्रीम वर्ब, वर्ब जो आपकी दे रखी है बी पार्ट में, जो ड्रीम आपकी दे रखी है, इसकी हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ड्रीम की फॉर्म्स क्या होती है, ड्रीम, ड्रीम्ड और ड्रीम्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, सिंपली ड्रीम नहीं होगा आपका, क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रीम्ड हो जाएगा, आई ड्रीम्ड, ठीक है, मैंने सपना देखा, पास्ट फॉर्म यूज हो जाएगी, वी टू आपका यूज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any portion of undergrounded rhizome when broken off is capable of producing a new plant. क्या कहा गया है, any portion, किसी portion undergrounded जो rhizome होते नहीं है, जो मतलब उनके stem निकल आते हैं, roots निकल, stem होता है, roots roots निकलती हैं उसमें, roots जड़ निकलने लगती है ना तने में, तो एनी पोर्शन ऑफ undergrounded, जो undergrounded होता है ये, या underground होता है ना rhizome, वेन ब्रोकन ऑफ, जब उसको हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो वो कैपेबल हो जाता है, एक नया प्लांट बना देता है। क्या करता है, राइजोम को जब हटाया जाता है तो वो उसको तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, तो उससे एक नया प्लांट बनता है। ठीक है, वो नया प्लांट को जन्म देता है, चलो कैपेबल हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए न्यू प्लांट। चलिए बताइए क्या है, बताइए। देखिए इसमें भी नाउन और एडजेक्टिव की एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है आपकी, देखिए ये जो आपका ए पार्ट है इसमें आपका दे रखा है अंडरग्राउंडेड, अंडरग्राउंडेड, अंडरग्राउंडेड आपका क्या है, एक नाउन, और इसके आगे हम दे रखा है राइजोम,
राइजोम, और ये भी आपका क्या है, नाउन। ठीक है, तो दो नाउन तो एक साथ नहीं आएंगे ना। नाउन को डिफाइन करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, अंडरग्राउंडेड एक एडजेक्टिव होना चाहिए। इन्होंने इसको क्या बना दिया है, नाउन बना दिया है। तो अंडरग्राउंड को एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडरग्राउंड ईडी हटा देंगे, अंडरग्राउंड एनी पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड राइजोम। देखिए ए भी लगा है, ए लगा है अंडरग्राउंडेड से पहले, तो यानी ए किसको डिफाइन कर रहा होगा, नाउन को, राइजोम को। तो इससे पहले हमारा क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए। तो ये तो एडजेक्टिव है नहीं, इसलिए हमें इसके एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि राइजोम हमारा नाउन है। तो इसको सही कर लेंगे, ए वाले पार्ट में अंडरग्राउंडेड की जगह पर अंडरग्राउंड राइजोम कर लेंगे। ठीक है, चलिए एडजेक्टिव बना लेंगे उसको, ए पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कस्टमर वॉज डिसप्लीज्ड एट देखिए इसमें मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, दो दो बार आ गया है एट हिज मील हैज द शेफ प्रिपेयर्ड अ रिप्लेसमेंट। ठीक है, ए बी सी और डी वगैरह क्या है, द कस्टमर वॉज डिसप्लीज्ड, बहुत नाखुश था, नाराज था खाने पर, तो शेफ ने क्या किया, दूसरा खाना रिप्लेसमेंट कर दिया, उस खाने की बजाय दूसरा खाना उसको दे दिया, प्रिपेयर रिप्लेसमेंट, प्रिपेयर करना। ठीक, बताइए क्या एरर है। देखिए जो डिसप्लीज ऐड दे रखा है, देखिए डिसप्लीज विद मीन्स क्या होता है, अप्रसन्न होना। ठीक, अप्रसन्न होना, तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, द कस्टमर वॉज डिसप्लीज एट, बी वाले पार्ट का एट हटा दीजिए, वो डबल डबल बार आपका मिसप्रिंट हो गया है, दो दो बार लिख गया है, तो द कस्टमर वॉज डिसप्लीज विद, इसका मीनिंग ही होता है कि अप्रसन्न था अपने भोजन से। ठीक है, तो सिंपली आपका एट नहीं होगा, डिसप्लीज के बाद हम लोग विद कर लेंगे, एट को हटा देंगे, एट की जगह पर डिसप्लीज विद हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग होता है ये आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है, फिक्स्ड प्रपोजिशन, इसका मीनिंग क्या होता है, अप्रसन्न होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉज इन ए पार्टी विथ सम माई फ्रेंड्स सिडनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन का एरर आ गई आपकी, क्या है, आई वॉज इन ए पार्टी विथ सम माई फ्रेंड्स सिडनी, यानी क्या था कि मैं पार्टी में थी अपने कुछ दोस्तों के साथ। ठीक, बताइए क्या एरर आ रही है आपकी, कमेंट करिए फटाफट से। देखिए क्या है, आई वॉज इन ए पार्टी, इन्होंने क्या कहा है कि नेहा ने जब बताया तो एक जो पार्टी उसने बताई बताई है, वो एक पॉइंट बताया ना, पॉइंट ऑफ टाइम बताया वहां पर कि आई वॉज इन ए पार्टी विद सम माय फ्रेंड्स, पार्टी की जगह बताई होगी, प्रॉपर जगह है उसकी पार्टी की, तो इनकी जगह पर आपका क्या आएगा, एट आना चाहिए, एट अ पार्टी, बी वाले पार्ट में आपकी एरर। देखिए इसमें दो एरर्स हो सकती हैं आपकी, एट ए पार्टी विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स अपने कुछ दोस्तों के साथ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इन हटा देंगे क्योंकि एट इसमें पर्टिकुलर पार्टी की जगह होगी ना, ये कहाँ पर हो रही है वो, तो एट आपका रहेगा फिक्स्ड में लगता है ना, एट कब लगता है, बिल्कुल पॉइंट आपका बता दिया जाए, पर्टिकुलर जगह बता दी जाए, तब आपका एट लगता है, इन नहीं लगेगा, एट लगेगा कि पर्टिकुलर जगह पे वो पार्टी हो रही है, उस पर्टिकुलर पार्टी में वो है, तो एट सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आप कर लीजिए, ऐसे भी बी पार्ट में ये रहती है अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो इनकी जगह पर आपका एट आ जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एन 8 years old गर्ल हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या एक 8 साल की बच्ची ने क्या है, गर्ल ने, लड़की ने, हैज मेड दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। ठीक, ये कहा गया है, बताइए क्या एरर आ रही है आपकी, An 8 years old girl has made this beautiful painting.
आठ साल की बच्ची ने ये इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है, ये सुंदर पेंटिंग बनाई है। देखिए इसमें भी एडजेक्टिव का आ रहा है आपका, आज एडजेक्टिव के जो आपके एरर्स थे, क्वेश्चंस थे, वो ज्यादा आपके आ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपका टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या है कि एन एट ईयर्स ओल्ड गर्ल, जो गर्ल है, गर्ल हमारा क्या है, नाम। ठीक, गर्ल हमारी नाम है और इसको हमें क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव हमारा क्या हो गया, ओल्ड। ठीक, ये जो आपका पूरा एडजेक्टिव दे रखा है, एट ईयर्स ओल्ड, एट ईयर्स, ये सब किसके लिए है, एट ईयर्स क्या है, ओल्ड गर्ल, एट ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो ये आपका एडजेक्टिव मॉडिफायर का काम कर रहा है ना, मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, ये हमारे तो प्लूरल नहीं होते हैं, इन ये एडजेक्टिव होते हैं, प्लूरल नहीं होते हैं मॉडिफायर्स। तो एट ईयर्स ओल्ड गर्ल, आठ साल की लड़की, ईयर्स ना हो नहीं होगा आपका, सिंपल आपका क्या हो जाएगा, एट ईयर। ठीक है, एट ईयर ओल्ड, आठ साल, ये जो एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव इस नाउन के लिए यूज हुआ है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, ये मॉडिफायर है, इसलिए हम लोग ईयर्स नहीं करेंगे, ईयर करेंगे। ठीक है, ईयर करेंगे, एडजेक्टिव भी लगा है ना, आठ साल की लड़की, तो आठ साल हमारा क्या है, एडजेक्टिव हो गया, तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाएंगे, ईयर्स नहीं करेंगे, तो एट ईयर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन से पार्ट में, ए में आपकी एरर थी। ठीक है, एट ईयर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर के। तो देखिए मैं वोकैब्स की जो है शॉर्ट्स बनाती हूँ, वोकैब को शॉर्ट्स में बनाया है और एक दो मैंने लॉन्ग्स भी बनाई है वोकैब की, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल पर जाइए, और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी है सौम्या मैम के नाम से, आप वहां पर और वीडियोस देख सकते हैं, और शॉर्ट्स में आप क्या देख सकते हैं, वोकैब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।